और एम्बुलेंस आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ठप है। एम्बुलेंस सेवाएं आज इसकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एम्बुलेंस के चालक और कर्मी हड़ताल पर हैं। 108 कर्मियों की हड़ताल से बंद हुई है 108 सेवा और 102 सैलरी समय पर देने की मांग को लेकर हड़ताल है। साप्ताहिक अवकाश की मांग पर भी ये लोग अड़े हैं और ये स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में। इमरजेंसी सेवा 102 और 108 का पहिया पूरी तरीके से ठप हो चुका है। राजधानी लखनऊ की इको गार्डन में उसके कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी तमाम जो मांगे हैं वो उन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कर्मचारी हटाए गए हैं उसको लेकर के, वापसी को लेकर के प्रोटेस्ट है, साथ ही वीकली ऑफ जो है उसको लेकर के प्रोटेस्ट है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इमरजेंसी सेवाएं ठप हुई है। सर, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, जो हमारे अब तक कल की डेट तक कर्मचारी निकाले गए हैं उनको तत्काल भाव से वापस लिया जाए। दूसरी है कि जो हमारी सैलरी है 2014 से 8,943 इसको एक फिक्स टर्न पे अब तक रखा गया, कोई बहाली नहीं। हमारी है कि 2014 से अब तक 10% के हिसाब से बढ़ाया जाए। 8 घंटे की ड्यूटी के उपरांत जो 4 घंटे किया उसका हमें ओवर टाइम मिले। और ये प्रोटेस्ट पूरे यूपी में है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए थे कि एस्मा लगाया जाएगा, लेकिन उस एस्मा के डर को भी खत्म करते हुए सभी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट इनकी बातों को माने तो अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।